देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। जी हाँ, ये लड़की अपने ससुराल के गेट पर बैठी है, क्योंकि ससुराल वाले इस लड़की को अपनी बहू मानने को तैयार नहीं है। बता दे कि लड़की की शादी एक प्रेम विवाह थी, जिसको पुलिस की उपस्थिति में कोपागंज थाने में कराई गई थी। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन बीते दिनों जब लड़की संध्या अपने मायके से वापस ससुराल आई तो पति आलोक घर से गायब था और उसके सास ससुर ने उसे घर में आने नहीं दिया। इतना ही नहीं, लड़की के ससुराल वाले घर में ताला लगाकर गायब हो गए। फिर क्या था, संध्या अपने हक के लिए ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। यहाँ मैं अपने ससुराल आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के घर आई हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड शादी करके हमको छोड़ के चले गए हैं। मैं वहाँ पे आई हूँ, मेरे हस्बैंड को मेरे सास ससुर भगा दिए हैं, रहने नहीं दे रहे घर में। SP के पास गई हूँ, हर जगह महिला पुलिस गोपागंज थाने हर जगह गई हूँ, मुझे कहीं न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए मैं धरने पर बैठी हूँ। अब मुझे इस घर में रहना है, शादी के हूँ तो रहूँगी। बता दें कि लड़की की ससुराल सराय लखनसी थाना क्षेत्र के खालिसपुर गांव में है, और जैसे ही इस प्रकरण की जानकारी लोगों को हुई, लोग मौके पर इकट्ठा होने लगे। आनन फानन में मौके पर पुलिस भी पहुंच गई और पीड़िता की शिकायत लेकर जांच में जुट गई। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामला प्रकाश में आया है और दोनों परिवारों को 11 जून को बुलाया गया है। लड़की संध्या के बारे में बताया गया कि इसकी शादी आलोक रंजन से हुई थी, प्रेम विवाह का है इनका मामला। एक लड़की को अपने ससुराल में रखने का भी है। प्रकरण में परिवार सुलह समझौता केंद्र जो हमारे यहाँ चलाया जाता है, दर्ज किया गया है। एक दो बार प्रकरण में बुलाया गया लड़के पक्ष को, तो अभी उपस्थित नहीं आए। प्रकरण में 11 जून को फिर दोनों पक्षों को जब हमारी मीटिंग होती है समाज के महत्वपूर्ण लोगों के साथ, ऐसे प्रकरणों के कारण में बुलाया गया है। देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। देखो जी देखो, ये मेरी ससुराल है। न्यूज़ आई के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।